अरे इधर पे बंदे थे, इधर पे बंदे थे, इधर पे बंदे। अबे देख देख, येलो क्रिमिनल, येलो क्रिमिनल, मैं नॉक कर दिया। और एक स्क्वाड है। अरे भैया तू क्या देख लियो? ज्ञान भाई, ज्ञान भाई, ज्ञान भाई, ज्ञान भाई, ज्ञान भाई, ज्ञान भाई, ये रहा। हाँ हाँ हाँ, ओ भाई, अरे भाई 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 भाई। तो भाई लोग, आज जैसे मैं गेम स्टार्ट करता हूँ, हमारी गेम के अंदर आते हैं भाई इंडिया के फास्टेस्ट प्लेयर यानी कि राय स्टार। तो भाई लोग, मेरे को पता चल चुका था कि भाई हमारे गेम के अंदर आया राय भाई। और गाइस मैं सोच रहा था कि यार उनसे टीम अप करना है। और गाइस आज की वीडियो में ना, सबसे पहले बता दूं, गिव अवे है वो भी 10,000 डायमंड का, जो कि 10 बंदों को मिलेंगे। लेकिन शर्त एक रहेगी, आप लोगों को ना ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना होगा। और वीडियो पूरा देखने के बाद मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा मेरे इंस्टाग्राम पे, जिसका लिंक आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में पिन हुआ मिल जाएगा। तो भाई लोग, मैं सोच रहा था कि अब राय स्टार भाई को या तो मारना है या उनके साथ टीम अप करना है। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है भाई, टीम अप होता है, एंड टीम अप होने के बाद भी क्या होता है गाइस, ये आप लोग को वीडियो पूरा देखने के बाद ही पता चलेगा। और यहाँ पे भाई मैं M82 भी लेने के लिए उतरा था, क्योंकि राय स्टार भाई को ना शॉर्ट रेंज में मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन लॉन्ग रेंज में आप लोग को पता हम भी भगवान है। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। तो भाई लोग, यहाँ पे मेरे को फाइनली मिल जाते हैं दो दो ब्रह्मास्त्र। तो गाइस इन ब्रह्मास्त्र का मेरे को प्रयोग कैसे करना था, एनिमी को मारकर। तो गाइस सामने वाले एनिमी को मैं इतना गंदा हेडशॉट मारता हूँ ना कि उसको अपने पूर्वज तक याद आ जाते हैं। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ही। तो भाई लोग, यहाँ पे भाई मैं नीचे बंदों को मारना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे भाई ये बंदा भी मतलब उसको बचाने के लिए आता है। तो गाइस इस बंदे को भी मैं बहुत गंदे वाला मारता हूँ। एंड गाइस उन बंदों को ना हवा ही नहीं लग रही थी कि भाई उनको गोलियां कहाँ से पड़ रही हैं। क्या बात है। और भाई यहाँ पे मैं सोच रहा था कि राय स्टार का स्क्वाड यहाँ पे आसपास में ही उतर जाएगा, लेकिन गाइस यहाँ पे कहीं पे भी नहीं उतरता। गाइस ब्लू जोन का मैं सोच रहा था, लेकिन गाइस ब्लू जोन में भी नहीं आता। तो यहाँ पे भाई मैं सीधा इधर से जंप कर देता हूँ इन बंदों को मारने के लिए, जो कि नीचे की तरफ थे। तो गाइस जैसे मैं इधर पे आता हूँ, गाइस मेरे को यहाँ पे बंदे देखने को नहीं मिलते। तो गाइस इधर पे मैं अंदर की तरफ चला जाता हूँ, क्योंकि गाइस यहाँ पे मैं एक बार मारा जाता हूँ एंड उसके बाद रिवाइव होके आया हूँ। वो क्लिप मैंने कट कर दिया है। तो मित्रों, मेरे को यहाँ पे आसपास में कोई बंदा महसूस हो रहा था। तो गाइस जैसे मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ, एक वूकोंग बना हुआ बंदा बैठा हुआ है। एंड गाइस जैसे मैं उसको एक शॉट देता हूँ, वो बंदा वॉल लगा के अंदर की तरफ भाग जाता है। तो यहाँ पे भाई वो बंदा इतना ओपी तरीके से छुपता है ना कि भाई मेरे को उसकी हवा ही नहीं लगती कि भाई वो बंदा गया तो गया कहाँ। तो भाई लोग, मेरे को वो बंदा यहाँ पे कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रहा था। तो गाइस यहाँ पे मैं जैसे थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ता हूँ, तो गाइस ना वो मेरे टीममेट को डैमेज देना स्टार्ट कर देता है। तो गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा सा ध्यान से देखता हूँ, तो गाइस वो बंदा ना मेरे को छत पे देखने को मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा था, बिल्कुल थोड़ा सा। तो गाइस उसको एक शॉट देता हूँ एंड गाइस वो बंदा ना छुप जाता है। एंड गाइस यहाँ पे मेरा मोबाइल भी आप लोग देख सकते हो कितना लैग हो रहा था, मतलब कितना अटक रहा था, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रही थी कि ROG भी अटक सकता है फ्री फायर में। तो गाइस यहाँ पे भाई मेरा ये मोबाइल अटक रहा था, तो गाइस मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो गाइस यहाँ पे भाई वो बंदा मेरे को देखने को नहीं मिला जैसे मैं छत पे आया। तो भाई लोग, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ध्यान से देखता हूँ, तो गाइस वो बंदा यहाँ पे पेटी बन चुका था। तो गाइस यहाँ पे मैं इसकी लूट वगैरह करना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड गाइस इस पर बहुत ओपी वाली लूट थी। तो गाइस यहाँ पे मेरे को शॉर्ट रेंज का और लॉन्ग रेंज के अच्छे वेपन मिल जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जल्दी जल्दी इसकी लूट वगैरह करके आगे की तरफ बढ़ता हूँ। एंड गाइस यहाँ पे मैं नीचे की तरफ गिर जाता हूँ, और ऊपर ना मेरे टीममेट को डैमेज पड़ना स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल लेफ्ट साइड से बंदे बहुत गंदे वाला डैमेज भरते जा रहे थे। टेंशन नहीं लेने का अपुने। तो यहाँ पे मैं पीछे की तरफ जाता हूँ और लॉन्च पैड देता हूँ, और गाइस सीधा उनके पीछे जाता हूँ, मतलब बहुत दूर में जंप करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ ना, मैं सोचता हूँ कि इनके मुंह से इनको रोकूंगा। तो यहाँ पे देखता हूँ राइट साइड में मेरा एक टीममेट डाउन हो चुका है, एंड गाइस उसको क्लियर भी कर दिया गया है। तो यहाँ पे भाई मेरे को बहुत गुस्सा आता है कि भाई अब इनको पेलना पड़ेगा, क्योंकि गाइस ये बंदे बहुत सही वाला मार रहे थे हमारे टीममेट को, और इनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो गाइस यहाँ पे सबसे मेन प्रॉब्लम क्या थी गाइस, मेरे पास सिर्फ यहाँ पे एक ही स्नाइपर थी। सह लेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैं जैसे आगे की तरफ आता हूँ, तो गाइस एक बंदे को मैं शॉट देता हूँ, तो गाइस यहाँ पे दोबारा से उसको एक और शॉट देता हूँ, तो गाइस ये बंदा डाउन हो जाता है। एंड गाइस यहाँ पे अभी बारी थी इनके टीममेट की। तो गाइस जैसे मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ, तो गाइस इधर पे मैं देखता हूँ एक बंदा ऑलरेडी नॉक पड़ा है। तो गाइस इधर से मेरे को एक और चीज मिल जाती है, पता है क्या, वो थी AWM। क्या बात है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से आगे की तरफ बढ़ता हूँ कि भाई अब उनको मारना है, क्योंकि मेरे पास थी स्नाइपर। और गाइस अब दो दो स्नाइपर हो चुकी थी, तो गाइस अभी दो दो स्नाइपर का जलवा दिखाना बहुत ज़्यादा जरूरी था। तो यहाँ पे मैं जैसे आगे की तरफ आता हूँ ना, मतलब ये डबल विंडो में आता हूँ, तो गाइस इधर पे क्या होता है, इधर पे मैं एक नेट डालता हूँ, मेरे को लगता है कि अंदर की तरफ बंदे हैं। तो यहाँ पे भाई मैं जितने भी नेट थे ना मेरे पास, सारे के सारे डाल देता हूँ। एंड यहाँ पे भाई फिर थोड़ा सा रश करता हूँ कि चलो यार अब उनको मारते हैं। तो जो ऊपर वाले बंदे था ना, वो बंदा यार यहाँ पे वॉल वगैरह लगा लेता है बिल्कुल ओपी तरीके से। बच गया साला,
तो यहाँ पे फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। जैसे ही मैं देखता हूँ छत के ऊपर भाई मेरे टीममेट को ना बंदा डाउन कर देता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ भाई, की बार ना मैं भी रश कर देता हूँ। एंड यहाँ पे भाई मैं इस बंदे को मारने के लिए यहाँ पे वॉल वगैरह तोड़ना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड गाइस वो बंदा जैसे ही निकलता है गाइस, उस बंदे को मैं बहुत गंदे वाला डैमेज देख के उसको पूरा क्लियर कर देता हूँ। और भाई लोग आज ना आप लोग मेरा गेम प्ले देखना अलग ही लेवल का होने वाला है, मतलब आप लोगों को भी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और भाई लोग आप लोग भी मेरा गेम प्ले देख के ये बोलोगे ओ भाई ये क्या है। तो भाई लोग यहाँ पे मैं जैसे नीचे की तरफ आगे देखता हूँ आगे की तरफ भाई एक और स्क्वाड हमारी तरफ बढ़ रहा है। तो गाइस यहाँ पे भाई मैं दो बंदे डाउन कर देता हूँ उसके। तो गाइस यहाँ पे तीसरा बंदा होता है ना, तो गाइस उस पे थोड़ा सा एम मिस हो रहा था, तो यहाँ पे एक स्क्वाड तो मैं उसको भी दे देता हूँ। एंड गाइस यहाँ पे उसका वॉल वगैरह मैं तोड़ना स्टार्ट कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे फाइनली मैं उस बंदे को भी डाउन कर देता हूँ। एंड गाइस यहाँ पे मैंने स्क्वाड के तीन बंदे डाउन कर दिए। तो अभी मैं सोच रहा था कि भाई चौथे बंदे को भी डाउन करना है, तो गाइस यहाँ पे इसका वॉल वगैरह तोड़ना स्टार्ट कर देता हूँ। तो गाइस इसको मैं जैसे ही मतलब नॉक करता हूँ, तो गाइस यहाँ पे ना वो अपने टीममेट को रिवाइव दे देता है। एंड गाइस यहाँ पे मतलब वो जो दूसरा टीममेट है ना वो अपने फिर से दोबारा दूसरे टीममेट को रिवाइव दे देता है। तो गाइस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वो लगा के अपने टीममेट को भी रिवाइव दे देता हूँ। तो यहाँ पे भाई वो बंदा ना अभी अपने टीममेट को रिवाइव दे चुका था। तो गाइस यहाँ पे मेरे को उसके जरा से पैर देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे भाई मैं उनको डैमेज देना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड गाइस यहाँ पे भाई इनको दोनों मैं फाइनली खत्म कर देता हूँ। तो गाइस इनका पूरा स्क्वाड ही मैं उड़ा देता हूँ। तो गाइस कैसा लगा ये आप लोगों को क्लिप नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। अगर अच्छा लगा है ना तो गाइस इस वीडियो पे एक लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, याद से सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहाँ पे मैं भाई सामने वाले बंदे को देखता हूँ कि भाई वो अपने टीममेट को रिवाइव दे रहा है। तो गाइस मैं जल्दी से उधर की तरफ बढ़ता हूँ, सोचता हूँ कि भाई इसको मार के ना मैं अपने टीममेट को रिवाइव दूंगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो गाइस यहाँ पे जैसे ही मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, तो गाइस यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, ये बंदा वू कोंग वगैरह बन के और बिल्कुल ओपी तरीके से यहाँ पे अपने टीममेट को रिवाइव दे रहा। तो गाइस यहाँ पे ये बंदे को मैं फाइनली पूरा का पूरा खत्म कर देता हूँ। एंड यहाँ से तुरंत ही रिवाइवल पॉइंट भी हट जाता है, क्योंकि इसकी टाइमिंग भी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे भाई मैं ये बिल्कुल ओपी वाले किल्स वगैरह निकाल चुका था। और गाइस अभी ना मेरे को मतलब रायस्टर भाई से भी टीम अप करना था। तो गाइस मेरे को अभी तक भी रायस्टर भाई कहीं देखने को नहीं मिले थे। तो यहाँ पे भाई मैं क्या करता हूँ, जो आप लोगों ने वो क्लिप देखा था ना स्टार्टिंग में, उसके बाद गाइस ये हमारा टीम अप हुआ है। एंड गाइस यहाँ पे टीम अप करने के बाद हम यहाँ पे पत्थर पे आकर खड़े हो चुके हैं। तो गाइस यहाँ पे वही टीम अप वाली क्लिप है। तो गाइस यहाँ पे भाई मैं इनके साथ टीम अप वगैरह करके इधर की तरफ इनको बुला रहा था। और गाइस यहाँ पे जोन भी बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे क्या करता हूँ भाई, इनको मैं बुला रहा था इधर पे। और गाइस यहाँ पे ना मेरा मोबाइल बहुत ज़्यादा अटक रहा था, मतलब क्या ही बोले, इतना ज़्यादा अटक रहा था ना कि भाई मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा था कि भाई आर ओ जी होते हुए कैसे अटक करा है। तो फिर यहाँ पे टीम अप चल ही रहा था। तो गाइस यहाँ पे सभी बंदे ना भाई बिल्कुल ओपी तरीके से अपना इमोट वगैरह दिखा रहे थे। एंड गाइस यहाँ पे मैं अपनी गन्स वगैरह ड्रॉप कर देता हूँ कि ताकि भाई इनके साथ टीम अप करूँ। एंड गाइस इनको ना यहाँ पे बूया दे दूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं सोच रहा था कि भाई इनको बूया दूंगा, लेकिन गाइस यहाँ पे ना भाई एक और टीम आई हुई थी। तो गाइस यहाँ पे भाई बिल्कुल लास्ट में मैं समझ रहा था कि भाई इनके साथ में रह के ना मतलब लास्ट में देखेंगे कि क्या होता है। तो गाइस बिल्कुल लास्ट वाला सीन आप लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो गाइस यहाँ पे भाई मूवमेंट देखो भाई राय स्टार की, भाई मूवमेंट देखो यहाँ पे, भाई गेम प्ले देखो, मतलब क्या ही गजब की मूवमेंट दे रहा था इधर पे। भाई देख मेरे को तो देखने को ही नहीं मिल रहा था कि भाई इधर से उधर घूम रहा था। कुछ तो गड़बड़ है अभिजीत भट्टाचार्य, कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पे भाई पूरे के पूरे जो लास्ट जोन में बंदे बचे हुए थे ना भाई, वो पूरे के पूरे जोन में बिल्कुल लास्ट में टीम अप कर लेते हैं। एंड गाइस सभी के सभी बंदे मतलब भाई यहाँ पे साथ में रहते हैं। एंड गाइस यहाँ पे एक दूसरे को इमोट दिखाते रहते हैं। तो गाइस यहाँ पे भाई कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, मतलब सबको ये टेंशन थी कि भाई कोई दूसरा बंदा उनको मार ना दे, क्योंकि आप लोगों को पता है बहुत से हरामी लोग होते हैं जो ऐसे मार देते हैं। तो गाइस यहाँ पे भाई पूरा को पूरा घूम रही थी, मतलब एक जगह पे कोई भी खड़ा नहीं हो रहा था। एंड गाइस उधर पे ज्ञान भाई भी उधर की तरफ पे चले जाते हैं। तो गाइस मैं भी उनके पीछे चला जाता हूं कि ताकि उनके साथ थोड़ा सा टीम अप दिखा सकूं। क्या बात है। तो गाइस यहाँ पे मैं ज्ञान भाई के पीछे पीछे था, और गाइस यहाँ पे भाई मेरे टीममेट भी साथ में मेरे पीछे पीछे थे, क्योंकि गाइस ज्ञान भाई के पास में आके वो भी खड़े हो जाते हैं। एंड गाइस यहाँ पे एक बंदा मजाक में ये भी पूछ रहा था कि भाई ज्ञान भाई आपका कैसे चैनल हैक हुआ, जबकि उनको कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा, मतलब अलग ही लेवल का दिमाग लगाते हैं। तो गाइस यहाँ पे होता है गुल्लू भाई, तो गाइस गुल्लू भाई यहाँ पे बिल्कुल मतलब जोन में होता है। एंड गाइस यहाँ पे भाई एक बंदा ना मेरे टीममेट को मार देता है। मेरे को जानता नहीं है ये। तो यहाँ पे भाई मैं सेफ जोन की तरफ भागता हूँ, और गाइस यहाँ पे क्या होता है भाई, मेरा टीममेट बोलता है कि इसने मेरे को मारा था जो नीचे लेटा हुआ है। तो गाइस यहाँ पे इस बंदे को मैं फाइनली खत्म कर देता हूँ। लेकिन गाइस यहाँ पे क्या होता है,
ये बंदा वो नहीं होता ना गाइस, यहाँ पे राय भाई भी यहाँ पे डाउन हो जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे भाई मैं बिल्कुल साइड में हट जाता हूँ कि कभी सोचे मैंने नॉक कर दिया तो यहाँ पे भाई सभी बंदे राय भाई को रिवाइव दे देते हैं, मतलब इनके टीममेट। तो गाइस यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं बोलता राय भाई को। एंड गाइस यहाँ पे भाई बिल्कुल लास्ट जोन बना हुआ था। एंड गाइस यहाँ पे अभी बिल्कुल ओपी वाला सीन होने वाला था कि भाई लास्ट में भूया मिलेगा तो मिलेगा किसको। तो भाई लोग यहाँ पे मेरे पास 8 वोल्ट थी एंड मैं यहाँ पे ये सोच रहा था कि भाई इन 8 वोल्ट का क्या किया जाए। तो गाइस फिर मैं सोचता हूँ कि भाई यहाँ पे ना अपना 8 वोल्ट के साथ सर्कल बना लेंगे लास्ट जोन में। एंड गाइस आराम से बैठेंगे एंड गाइस भी हमको कुछ भी नहीं कर पाएगा और यहाँ पे हमारा इजीली भूया हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जल्दी से जाता हूँ, पहले तो एक माइन लगा देता हूँ उधर पे। एंड यहाँ पे भाई जल्दी से जाके मैं ना अपना कवर बनाने का सोच वो चेहरे तेरी मानना पड़ेगा। और हाँ गाइस, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें सिर्फ आप लोग एंटरटेनमेंट के पर्पज से उसको देखा करो। और गाइस ये वीडियो स्क्रिप्टेड होती है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। तो गाइस ये सिर्फ मजे के लिए होती है। तो गाइस आप लोग ना वीडियो को पूरा देखकर मजे किया करो और गाइस आप लोग ना वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है। और गाइस आप लोग देखो यार, लास्ट जोन में हम हीलिंग बैटल करेंगे। तो गाइस यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि भाई इधर पे ना मतलब वॉल वगैरह लगा के मैं खुद को पैक कर लेता हूँ। सोचता हूँ कि भाई यहाँ पे भूया मारूंगा, लेकिन यहाँ पे गलत मतलब हो जाता है सीन मेरे साथ। तो गाइस यहाँ पे मैं बाहर निकलता हूँ और गाइस यहाँ पे हीलिंग बैटल करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे फाइनली मतलब मैं हार जाता हूँ।